सेकंड भी होता है, थर्ड भी, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन, एट, नाइन, टेन। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं टेन से। अब बेस अटेंडेंस रहता है, ठीक है? ठीक है, उसका नाम पुकार रहे हैं, उनको तोहफे तोहफे के साथ रिजल्ट के साथ दिया जाएगा। ठीक है, जिन उस्ताद के पास दिया जाएगा वो उस्ताद के पास आएंगे, अपने इनाम को उनसे देंगे, मुसाफा करेंगे और तस्वीर को तनखाई कर देंगे ताकि आपकी भी तस्वीर हो और उस्ताद की तस्वीर। ठीक है, आप बैठिए लेके जाओगे बच्चे कौन का सरमाया है, कौन का सरमाया है, पूंजी है। बच्चों से अपना पूंजी नहीं है, कौन का मंदिर का सरमाया है। हमेशा इन लोगों को बोला जा रहा है पढ़ो और पढ़ के कामयाब इंसान बनो ताकि अपने वालदैन का, अपने स्कूल का, अपने उस्ताद का, अपने मुल्क का, पूरे मुल्क का बच्चे रहनुमाई करना। इन लोगों का आखिरी दिन है, जब तुम लोग बच्चे में पाँच पर उसके बाद एडमिशन लिया है तब बहुत लोगों का छोटा था, बड़ा हो गया था। देखो हमेशा एक सबक याद रखो, हम लोगों का दुआ है तुम लोग खूब कामयाब हो, बहुत तरक्की करो और अपने मुकाम तक पहुँचो। मगर अपना जो इब्तदाई उस्ताद है, जो तुमको एक दिन भी पढ़ाया, तुम्हारा उस्ताद है। सबसे पहले तुम लोगों का उस्ताद, तुम लोगों का टीचर, सबसे पहला टीचर तुम्हारी वालदा होती है, तुम्हारी माएँ होती हैं, उसके बाद तुम्हारे अप्पू होते हैं, उसके बाद टीचर हम लोग टीचर तुम लोगों का उस्ताद है। हम लोगों की हमेशा ख्वाहिश रही है सबको, तो हम लोग मेहनत से लगन से पढ़ा है, मगर देखो अब आप फोर्थ क्लास के बाद फाइव क्लास में जाओगे आप जब सफाई हो गए, मेहनत करो बेटा, फिर अगर तुम लोग पीछे देखोगे तो बहुत पछताओगे, इसलिए अभी भी मौका है, पढ़ो लिखो खूब अच्छा से आगे कामयाब इंसान। हम लोगों की दुआ है तुम खूब तरक्की करो, खूब तरक्की करो। मास्टर साहब और हमारे सभी बोलिएगा आज ये मास्टर नहीं रहे, बहुत हम लोगों के यहाँ खुशी हो रही है, जन जन अफसोस भी हो रहा है कि आज हम लोग पाँच सालों से तुम लोगों को आ रहे थे और दो दिन का मेहमान तुम्हारे हमारे स्कूल में और दिन बाद तुम दूसरे स्कूल में जाओगे, कितना हम लोग खर्चे कर रहे थे तुम लोग, और तुम्हारा आना जाना दूसरे स्कूल में होगा, ये हम लोग था हम लोग पढ़ा रहे थे, तुम लोगों से लगाव भी हो गया था। बहरहाल हम लोग की दुआएं हैं तुम जहाँ भी जाओ, जहाँ भी बेहतर रंग से पाओ, अपना नाम अपने माँ बाप का ईश्वर बनाना चाहते हैं। और आप यहाँ तो हम लोग आप लोगों को एक बात हम कहना चाहते हैं कि डांट कर बुला कर वो नहीं आए ये नहीं आए, लेकिन हाई स्कूल में जाने के बाद वहाँ ये सब नहीं होता, इतने बच्चे होते हैं कि टीचर को ये नहीं हुआ मौका मिल सकता है कि आखिरी पर ये सुन ले कि कौन आ रहा है, कौन नहीं आ रहा है, कौन पढ़ रहा है, अब आपको पढ़ना होगा। आप जो अगर मेहनत कीजिएगा बेहतर है उसे तो कमरा कहिएगा, अगर नहीं मेहनत कीजिएगा तो ये है। और हिंदू स्कूल के लिए जहाँ तक एडमिशन का मामला है, आपके बगल में गर्ल्स स्कूल हो चुका है जिसमें उर्दू की गर्ल्स भी है, बालिका विद्यालय है, ये मैं समझती हूँ हिंदी उर्दू प्योर उर्दू है, प्योर हिंदी है, उर्दू के लिए उर्दू टीचर पास है, हिंदी तो हिंदी आपको ज़्यादा परेशानी नहीं है, बगल में है और कोई साथ यहाँ मौजूद है, मैं उनसे कहूँगा कि एडमिशन यहाँ कराए और अगर कोई मजबूरी
कमी होगी, कोई परेशानी होगी, तो हम उसके लिए अलग से कुछ कंसीडर भी हम उसको करवा सकते हैं, ठीक है। और लड़के जो है बगल में स्कूल है, हाई स्कूल एक है आपको दमकल के पीछे, एक है कासमिया, एक दमकल के पीछे जो स्कूल है, आदर्श को भी नहीं छोड़ना चाहिए। ये हम लोग का छोड़ने का नतीजा हुआ कि आदर्श से खत्म हो गए। बहरहाल ये गार्जियन ऊपर डिपेंड करता है, ध्यान रखें अगर ये स्कूल को हमने एडमिशन नहीं कराए तो हमारे इलाके से उनको ख़त्म। ये चार दुकान पाँच दुकान जो बोलना होता शुरू या नहीं होगा, ये इसको डेली ख़त्म हो जाएगा। अब आप दूसरे इलाके में जा रहे हैं, हम यही कहेंगे दादला यहाँ कराइए। जब प्योर स्कूल हो चुका है, खासतौर से लड़कियों को की है जो कब्रस्तान के सामने, यहाँ दाखिला कराए और लड़के जो यहाँ जाओ दूर बन चुकी, पहले करीब नहीं दूर जाने में पढ़ाई है, पढ़ाई 3 घंटा आने जाने में लॉस, अब प्लस आपका खर्च भी है, खर्च पे रहिए। जब आगे आप पढ़ेंगे तो आपका एडमिशन जिले से भी हो सकता है, पहले यहाँ पढ़िए और आप बेहतर ढंग से पढ़िए। और हम लोग आपके साथ है और अपने नाम अपने माँ बाप का इसलिए शिक्षक बात के साथ बस हमारी दुआएं हैं, और जब भी कोई जरूरत पड़े हमारे कानूनी अखबार से हमें याद कीजिए। इंसान जी यहाँ पर मौजूद हमारे दादी के साथ आपके टीचर जमील माते साहब बच्चा क्लास से लेकर आज स्कूल तक पढ़ाते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं है जब भी हम आपसे नहीं पढ़ते हैं, हम लोग भी क्लास वाइज मीटिंग होता था, मैथ में और पढ़ाते थे, नहीं कोई और, लेकिन पहली बार जमील सर तो 5 साल का सफर आज यहाँ आप लोगों का इस्लामिया से खत्म हो, अब आप लोगों का दूसरा सफर होगा। मैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग दूसरे सफर का जिस स्कूल से आगाज करें बढ़िया से करें, ताकि आपके गार्जियन का, आपके स्कूल का, आपके का नाम हो। आपको कलकत्ता जाना है, यहाँ से हम लोग नैटी जाएंगे, नैटी से ट्रेन को कलकत्ता में जाएंगे, तो समझ लीजिए आप लोगों का नैटी कंप्लीट हो गया, वहाँ से आप लोगों को कलकत्ता जाना है। कैसे जाइएगा तो आप लोगों की जिम्मेदारी है, और मैं यही कहूँगा कि आप लोग यहाँ किस स्कूल में जाइएगा। तालीम एक ऐसी दौलत है जो कोई बांट नहीं सकता। हम 5 भाई हैं, अगर वालिद का प्रॉपर्टी है उसमें से 5 हिस्सा लगेगा, इसलिए मैं वालिद का 5 भाई, अगर 2 भाई है तो 2 हिस्सा लगेगा, जबकि वालिद 5 भाइयों को बहनों को एक नज़र से उन बच्चों के पीछे खर्च किया, उसने जो पढ़ लिख लिया वो कामयाब हुआ, लेकिन जो पढ़ा लिखा उसके पीछे उस गार्जियन का ज़्यादा खर्च हुआ होगा, और जो नहीं पढ़ा लिखा होगा उसके पीछे कम खर्च हुआ होगा। तो उसका तालीम कोई भाई नहीं बोलेगा कि तुम रहने दे दे। आपकी प्रॉपर्टी है, आप लोग अपनी प्रॉपर्टी को अच्छा बनाइए और जहाँ भी जाइए स्कूल में जाइए अच्छा से पढ़िए। यही कहते हुए मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। चलिए टॉप 10 में मैं पहले जो बच्चा या बच्ची 10 नंबर आई है मैं उसे पुकार रहा हूँ, उनको इंशाल्लाह देंगे हमारे लुकमान मार्शल देंगे। नाम है आतिफ हुसैन, वालिद का नाम है, वालिद का नाम है जहांगीर हुसैन, माँ का नाम है हुसना बीबी।
आइए आतिफ हुसैन ये टॉप टेन के दसवां नंबर हासिल का है जुबान नाटक पढ़ते हैं टॉप टेन में दसवां नंबर फोटो लीजिएगा सब तस्वीर लीजिएगा आगे टॉप टेन के आ जाओ आ जाओ टॉप टेन के नवा पोजीशन जो पाई है उस लड़की का नाम है सना रुखसार इनको देंगी सभा की वालदा देंगी आइए सामने आई सभा की वालदा आठवां पोजीशन जो पाई है आठवां पोजीशन जो पाई हैं उनका नाम है मनीरा खातू अच्छे ताली मारे उनको उनको हमारे स्कूल के कुकिंग स्टाफ सोनी खातू देंगे चलिए इनको अपनी पहुंच नवा दिए ये पेन ठीक है कैसे लिया था सामने से लिया था सातवां पोजीशन जो देंगे या पाएंगे एक लड़का है जिसका नाम है मोहम्मद एहतेशाम सामने आवे और इनको देंगे क्लास थ्री के एक स्टूडेंट साहिस्ता परवीन के वालिद मोहतरम क्लास थ्री के स्टूडेंट साहिस्ता परवीन के वालिद मोहतरम मोहम्मद एहतेशाम की ये प्राइज देंगे पेन भी दीजिए तोहफों के साथ दुआएं भी अच्छा ये छह नंबर पोजीशन यानी दस में से छह ये छठा पोजीशन आई एक लड़की जिसका नाम है साजिदा परवीन आइए सामने और ये हमारे बाहर के गार्जियन में से मुर्तजा साहब आएंगे आकर देंगे मुर्तजा साहब आएंगे आकर देंगे मुर्तजा साहब आए और इस बच्ची को तोहफा दें और दुआएं भी दें सामने अच्छा पांच नंबर पोजीशन पाने वाले लड़के का नाम है डबल ए अब सोचो किसके नाम के आगे डबल ए आता है सोचो किसके नाम के आगे डबल ए आता है आतिफ अली आइए इन्हें देंगे जकी अहमद के फादर ने आइए अच्छा चौथा पोजीशन पाने वाले लड़के का नाम है जकी अहमद इन्हें देंगी साजदा की वालदा देंगी जाइए जकी अहमद जकी कमाल सॉरी भूलो गई जकी कमाल ये फोर्थ पोजीशन पाए हैं ठीक है
ताली बजाने में जिसका हाथ काला रहेगा उसको अलग से बजाएंगे। अच्छा अब बारी है थर्ड सेकंड या फर्स्ट, थर्ड सेकंड या फर्स्ट, तो गुमान करो किस क्लास के अंदर थर्ड कौन हो सकता है, किसी के जहन में है? नहीं है। जो थर्ड आया है उस बच्ची का नंबर आया है 349, 349 72.70% बी प्लस। ये 480 में, ये 480 में पाए हैं 349, 349। उस बच्ची का नाम है यास्मीन जावेद। इन्हें प्राइज देंगे हमारे दूसरा मार्च साहब देंगे। आइए थर्ड पोजीशन पाएंगे। अच्छा सेकंड, अब थर्ड से ऊपर क्या आता है सेकंड? सेकंड आने वाली बच्ची का नाम है सबा कौशल। इन्हें प्राइज देंगे हमारे मुस्कान मार्ट साहब देंगे। आइए सबा कौशल। और फर्स्ट पोजीशन आने वाली कौन होगा? बिल्कुल सही, समीर ठाकुर फर्स्ट आएंगे। और हर साल की बारी हमारा बच्चों का स्कूल जो होता है चलिए सर कुछ बोल रहे हैं सुनिए इसे। देखिए सबसे अहम प्राइज यही है, अहम प्राइज यही है फर्स्ट सेकंड थर्ड, लेकिन पंक्चुअलिटी नागा नहीं करना ये सबसे बड़ा इसका ज्यादा हाजिरी है। साल भर एक साल में स्कूल चला है 223 दिन 23 दिन 223 दिन। अब जो 223 दिन में सबसे ज्यादा जो लड़का आया है, लड़का या लड़की, वो तो हकदार होता है सर्दी में बरसात में ठंडा में वो स्कूल आया है। तो क्लास फोर से ऐसी बच्ची है वो लड़की है 223 दिन में 198 दिन आई, सोचिए ये बहुत बड़ी बात है। 223 दिन स्कूल चला है 198 दिन वो लड़की आई है और उसके लिए बेस्ट अटेंडेंस के लिए हम लोग प्राइज रखते हैं। वो लड़की है समानु, समानु सबसे ज्यादा दिन स्कूल आने वाले देंगे क्लास फोर के क्लास टीचर जमील अहमद साहब। सबसे ज्यादा दिन स्कूल आने वाले हैं।
जो प्राइज मिला है कपल इधर आपको जिन बच्चों को प्राइज मिला है टॉप टेन वैसे नहीं वैसे बैठेंगे जो टॉप टेन बच्चे आए हैं लाइन से खड़े हो जाएंगे आप पीछे प्राइज रिजल्ट के साथ चलो पीछे चलो 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 पीछे खड़े टॉप टेन रिजल्ट के साथ रिजल्ट प्राइज के साथ वो भी आ रहे टॉप टेन वाले भी आ रहे टॉप टेन जो दस बच्चे हैं हमारे और जो हाजिरी भी है हाँ वो भी आ रहे हमारे स्कूल में बच्चे लोग फीस पर रहते हैं थ्री क्लास में कौन आएगा बेस्ट अटेंडेंस में प्राइस गिन गया नीचे उठाओ उठाओ आओ ए ए तुम ही बराबर आंद्रे वैसे नहीं हर वक्त गिरा रहे हो तू ठीक है दो चार तस्वीर लीजिएगा ठीक है हो गया अपने अपने क्लास में चलिए और क्लास